हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट। बच्चे बड़ों सबों को बहुत पसंद आता है एंड मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैदा 2 कप, गुनगुना मिल्क 3/4 कप, बटर 1/4 कप, शुगर 2 टेबल स्पून, ड्राई एक्टिव ईस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ सॉल्ट स्किप कर दीजिए। शुगर पाउडर एंड चॉकलेट फॉर कोटिंग। तो सबसे पहले हम लोग 2 कप मैदा लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई एक्टिव ईस्ट, अब ऐड करूँगी शुगर, और थोड़े सॉल्ट, और अब मैं ऐड करूंगी इसमें बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है। अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक भी लम्स ना हो तो इसे हम लोग अच्छे से हाथ से भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब मिक्स हो जाए इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े थोड़े करके दूध और इसके डो बना लूंगी। एक साथ मिल्क नहीं डालेंगे। इसकी डो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार है। इसे छुएंगे तो ये काफी सॉफ्ट है और साथ में बहुत चिकना होके है। अब हम लोग इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर हल्का बटर या फिर ऑयल लगा लेंगे। बटर लगाने से ये ड्राई नहीं होगा और इसे कुछ 1.5 से 2 घंटे के लिए कपड़े से कवर करके इसे रख देंगे। ऐसे करने से हमारा डो फूल कर डबल हो जाएगा और ये मैंने कवर कर लिया है। और ये हमारा कुछ 1.5 आवर के बाद ये देखिए ये बिल्कुल फूल गया है, बहुत सॉफ्ट डो हो गई है। अब हम लोग इस डो को कुछ 10 से 15 सेकेंड के लिए फिर से गूंथ लेंगे और ये डो हमारी रेडी है डोनट बनाने के लिए। इसके लिए मैं डालूंगी थोड़े मैदा बेस में और उसके ऊपर ये डो को डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथ से थोड़ा पहले स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसे हम लोग बेलन से अच्छे से गोल राउंड में कर लेंगे। इसके थिकनेस कुछ 1 सेंटीमीटर अराउंड होना चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं करना है। और ये मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम लोग इसे डोनट के शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर है तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग ग्लास यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ग्लास यूज़ कर रही हूँ। ग्लास को कट करने से पहले इसे मैदा में थोड़ा साइड में लगा लेंगे जिससे वो चिपकेगा नहीं और ईजिली वो डोनट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे राउंड शेप दे देंगे। और अब इसे बीच में होल करने के लिए मैंने एक छोटा सा ढक्कन लिया है, कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैंने पहले मैदे में लगा लिया है। ईजली हम लोग इससे बिना चिपके हुए कट कर ले रहे हैं। अब हम लोग साइड के एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ईजली ये निकल जा रहा है। और हम लोग अब बीच वाले को भी अच्छे से निकाल लेंगे। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी। प्लेट में मैंने पहले थोड़ा सा मैदा डाल लिया है और इसे मैं उसमें रख ले रही हूँ। मैदा डालने से ये प्लेट में चिपकेगा नहीं। इसी तरह मैं बाकी के डोनट्स को भी कट कर लूँगी। मैंने कुछ डोनट्स को बीच से होल नहीं किया है, उससे मैं स्टफ्ड डोनट बनाऊँगी। अब मैं ऑयल गरम करूंगी और तेल जब थोड़ा गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी डोनट्स। इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम में डीप फ्राई करूंगी। लो फ्लेम में कुक करने से ये अंदर भी अच्छे से कुक हो जाएगा।
और ये देखिए डोनट्स और फूल रहे हैं। अब हम लोग इसके दूसरे साइड को भी थोड़ा ब्राउन करेंगे। इसे ऐसे हल्का साइड से करके पलट लेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही डीप फ्राई करना है। और ये देखिए डोनट फ्राई हो गया है, अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसी तरह बाकी के डोनट्स को भी डीप फ्राई कर लूंगी। और ये हमारे सारे डोनट्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी पाउडर शुगर की कोटिंग। और इस तरह से मैं एक एक करके सब में पाउडर शुगर लगा ले रही हूँ। और ये हमारा प्लेन एंड बेसिक डोनट तैयार है। हम लोग इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट से कोट करने वाली हूँ। इसके लिए पहले मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। आप इसे डबल बॉयलर के थ्रू भी मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैं पहले 30 सेकेंड्स के लिए इसे पहले मेल्ट करने के लिए डाली हूँ। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन 30 सेकेंड्स के लिए डालूँगी। और इसे इस तरह से मेल्ट करके मिक्स करते जाएंगे। ऐसे करने से हमारा चॉकलेट हार्ड नहीं होगा। और ये हमारा वाइट चॉकलेट रेडी है। इसी तरह हम लोग डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे। अब हम लोग डोनट्स को चॉकलेट में डिप करके एक कोट लगाएंगे। यहाँ हम लोग चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं, बट चॉकलेट सिरप सिर्फ ड्राई नहीं होगा, अदरवाइज टेस्ट वाइज बिल्कुल सेम रहेगा। और इस तरह से एक एक करके सारे डोनट में मैंने चॉकलेट कोटिंग कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी स्टफ्ड डोनट। इसके लिए जिसमें मैंने होल नहीं किया है उस डोनट को बीच से मैं इस तरह से थोड़ा कट करूंगी। साइड से हल्का कट करना है। अब इस हॉलो में मैं डालूंगी मेल्टेड चॉकलेट। डोनट को केयरफुली पकड़ेंगे, अदरवाइज डोनट टूट सकता है। और स्टफिंग भी स्लोली केयरफुली करेंगे। और ये इसकी स्टफिंग हो गई है। अब मैं इसे डिप कर लूंगी चॉकलेट सिरप में। और ये हमारा स्टफ्ड डोनट रेडी है। ऐसे तो ये डोनट अभी खाने के लिए पूरा रेडी है, बट इसे थोड़ा सजा लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़े डाल रही हूँ व्हाइट चॉकलेट के क्रश किए हुए, किसी में मैंने डाला है डार्क चॉकलेट क्रश करके, थोड़े मेरे पास कलर स्प्रिंकल्स थे मैंने वो डाले हैं, चोको चिप्स थे वो डाले हैं। वाइट चॉकलेट में डार्क चॉकलेट के लेयर डाल सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप इसे जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये हमारा माउथ वाटरिंग सॉफ्ट डोनट रेडी है। इसे मुंह में डालते साथ ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताएं अपने एक्सपीरियंस। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। टिल देन स्टे सेफ, keep watching. Thank you.